कश्मीर की जंग फलां के संग जो बगैर वीजे के मोदी को अपने घर लाया उसने कश्मीर की जंग करनी है तो खुदा का खौफ करें आप। मैं बिल्कुल ये चाहते थे मुमताज कादरी को शहीद करने वाले दिन कि मुल्क में आग लग जाए, ये मोदी के एजेंडे पर ये काम कर रहे थे। जो मोदी की वो हल्फे वफादारी में कौन गया? हसास इदारे उस दिन सोए हुए थे कि मोदी सबसे बड़ा मुसलमानों का कातिल है। गुजरात के मुसलमानों की एक तस्वीर आदमी देख ले तो उसको रात नींद नहीं आती। गुजरात के अंदर क्यामत मोदी ने ढाई और आज कश्मीर के अंदर भी वही काम कर रहा है। तो उस मोदी की हल्फे वफादारी में कौन गया? उसको तो यहां रहने का भी हक नहीं था और फिर आपने उसको ऊपर फिर उठाया और फिर कहा जनाब ये सिर्फ मस्जिदों के लिए तुम रह गए हो। इस वास्ते बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल वाजे बात कर रहा हूं, बिल्कुल ये रैलियों से कभी कश्मीर आजाद नहीं होगा, क्योंकि हम भी इस फितरे का ऐसा बने हुए हैं। रैलियों से कश्मीर आजाद नहीं होगा। कुरान की नस भी यही है कि जब तक किताल नहीं करेंगे मुसलमान, उनके हाथ नहीं काटेंगे जो कश्मीरी बच्चियों पर हाथ उठाते हैं, तो उस वक्त तक कश्मीर आजाद नहीं होगा।